हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कहां मूव कर सकता है, कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप पैसा बना सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब गाइस कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड अलाइस ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। चलिए अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, यार उससे भी पहले बात करें, आज लाइव में काफ़ी बढ़िया हमारा परफॉर्मेंस रहा। हमारे जो भी हमने डिसाइड किए थे, बैंक निफ्टी में एक बड़ा टारगेट हमें मिला, एज वेल निफ्टी में भी हमें एक बड़ा टारगेट मिला। निफ्टी ने हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे सेलिंग किया, फिर यहाँ से ऊपर से यहाँ से सेलिंग किया, फिर यहाँ तक हमने टारगेट बुक किया, अगेन इन्वर्टर फ्लैग एंड पोल बनाया एंड अगेन हमने सेल किया और अच्छा खासा हमें टारगेट अचीव होता हुआ मिल गया जो कि हमारा 200 का लेवल था। राइट, किसने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बढ़िया पैसा बनाया है कमेंट करके बताइएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, अगर आज के दिन भी लोग लॉस खा रहे हैं तो इट मीन भाई बहुत लर्निंग की ज़रूरत है, बहुत लर्निंग की ज़रूरत है। राइट, तो लर्निंग करते रहिए। अभी देखेंगे निफ्टी क्या सिनेरियो बना रहा है, हमारे लेवल्स अगर देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे हम सीधा। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे, सब रिमूव कर देते हैं ड्राइंग, बिल्कुल फ्रेश एनालाइज करेंगे अपन, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे अभी भी मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है, एक छोटे से दायरे में, एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये, राइट, इसके बीच में मार्केट जो है वो चल रहा है। ये कैंडल्स की बात अगर हम करें, ये जो कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल हमें नज़र आ रहा है और पिछले दो दिनों से ही हमें रेड कैंडल नज़र आ रहा है। पिछले दो दिनों से एक यहाँ पर हॉल्ट लिया, स्पिनिंग टॉप के जैसा बनाया है, ऊपर के लेवल से सेलिंग आया है, अभी भी लगातार हमें बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। मार्केट में सेलिंग है, मार्केट में प्रेशर है, साफ समझ में आ रहा है। लास्ट वाले टाइम में थोड़ी बहुत बाइंग आई है लेकिन प्रेशर है, साफ समझ में आ रहा है। सेम अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व कर देते हैं, निफ्टी को साइड कर लेते हैं। तो निफ्टी अगर देखें कि लास्ट वाले टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया एक बाइंग का प्रेशर आया, लेकिन अब निफ्टी के पास ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। जो निफ्टी के आसपास 350 का लेवल रहेगा, 350 का लेवल एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी के लिए काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अप्रॉक्स ये लेवल, बल्कि ये लेवल सही रहेगा। राइट, ये लेवल कौन सा बन रहा है ये देखेंगे तो 300 के आसपास का लेवल बन रहा है। अगर 300 का लेवल ये ब्रेक करता है तो एक छोटा सा टारगेट आपको मिल सकता है, कहाँ तक का, सिर्फ 360 तक का। राइट, अगर 300 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो 360 तक का टारगेट एक बार प्लान कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा अगर टारगेट प्लान करना है तो कम से कम 350 रुपये के ऊपर बाजार को सस्टेन करना पड़ेगा या फिर एक दिन हॉल्ट करना पड़ेगा ऊपर के रेंज पे। देखिए मार्केट ऊपर खुल तो जाता है, ऊपर मार्केट खुल तो जाता है लेकिन फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर खुल तो जाता है फिर नीचे आ जा रहा है। तो दिक्कत क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल्स पे जब जब पहुंच रहा है सेलिंग दबा के हो रही है, जब बाजार ऊपर के लेवल्स पे पहुंच रहा है सेलिंग दबा के हो रही है, और यही एक दिक्कत है। यहाँ पे भी देखिए आज भी मार्केट अच्छा खासा गैप अप खोला है, यहाँ पे कल बंद हुआ था, आज यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप खोला है, फिर एक नेगेटिव कैंडल बना के तुरंत सेल कर दिया मार्केट ने और काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग बनाया। लास्ट वाले दो कैंडल्स में हमें तेजी देखने को मिल गई है। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं बीरेस ही है। तो कल सेलिंग कहाँ करेंगे, कल अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला, ध्यान रखिएगा कल आपका फ्राइडे भी है, कल अगर हमें मिलता है बाजार नीचे लेके आता है 200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, 190 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर 190 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम सेम सेलिंग के लिए अप्रोच करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है और फ्लैट खुल के फिर नीचे आ रहा है फिर तो वेल एंड गुड है, हम सेल कर लेंगे इसके नीचे आते ही। बट अगर खुल ही गैप डाउन जाता है यहाँ पे कहीं तो वेट करेंगे, मार्केट में एक बाइंग आ सकती है या एक पुल बैक ले सकता है मार्केट। जब ऊपर आएगा, ऊपर से रिजेक्शन लेके आएगा नीचे, तब हम सेल करेंगे, वेट कर लेंगे गैप डाउन खुला। सेम अगर गैप अप खुल जाता है 300 के ऊपर, 320, 330, तब भी हम वेट करेंगे, तुरंत बाइंग नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे। कहाँ का प्राइस एक्शन बन रहा है, एक इस तरह का ही कैंडल बना के सीधा नीचे आ जा रहा है कि क्या कर रहा है, वेट करेंगे। सिर्फ फ्लैट खुलता है तभी ये लेवल्स जो आपको मैं बना के दिया हूँ ये लेवल्स तभी वैलिड होंगे, समझ रहे इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब अगर गैप अप खुल जाता है, अब हमें नहीं पता यहाँ पे खुला, यहाँ पे हमें नहीं पता सेलर्स अप्रोच करेंगे या फिर जो शॉर्ट में बैठे हैं वो अपना शॉर्ट को कवर करेंगे या और शॉर्ट करेंगे, ये हमें नहीं पता। राइट, तो प्राइस एक्शन बनने का हम वेट करेंगे, तभी हम आगे का कुछ भी सिनेरियो समझेंगे या कुछ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बैंक निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी में भी मैं सारे लेवल्स डिलीट कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया रहा है भाई बैंक निफ्टी भी, हमारे पास तबाही रहा आज का दिन और बैंक निफ्टी ने वन साइडेड रैली हमें दिया है, बहुत मज़ा आया।
बैंक निफ्टी में भी देखेंगे बिल्कुल बेरिश कैंडल है। अब कैंडल्स जो हैं नीचे क्लोजिंग देने लग गए हैं लगातार कुछ दिनों का। अगर हम लेवल देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर बंद हो रहा था, लेकिन अब जो है क्लोजिंग नीचे आने लग गई है, तो 36,000 का लेवल अब टच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को समझिए, आज मार्केट खुलता कहाँ पे है। आज मार्केट खुलता है गैप अप काफ़ी अच्छा खासा और सेम नेगेटिव रेड कैंडल बना के बढ़िया प्राइस एक्शन बना के मार्केट गिरता है। एक बार भी मतलब इसने अपना जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है ना, राइट। और अभी भी बंद जो हुआ है एक रिट्रेसमेंट लिया है, एक प्राइस एक्शन कंप्लीट करने जा रहा है। तो बाइंग कहाँ आएगी, कम से कम इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है 800 के ऊपर, मिनिमम 36,800 के ऊपर निकलेगा तब जाके हमें 37,000 का लेवल, ये लेवल देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 800 के अबव बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का प्लान कहाँ रहेगा हमारा, सेलिंग का प्लान देखने के लिए आपको थोड़ा सा कैंडल को बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपको सेलिंग कहाँ पे करनी चाहिए। देखिए ध्यान से, मार्केट ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है, अच्छा खासा लेवल ब्रेक डाउन कर दिया है, जो कि लेवल बन रहा है अप्रॉक्स 550 का। अभी अगर कल मार्केट हमें कम से कम नहीं तो 500 का लेवल डाउन, 500 तो मैं कम ही कह रहा हूँ, बल्कि 400 का लेवल डाउन करना चाहिए, ऐसे आप प्लान कर सकते हो। देखिए ध्यान से, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा क्या है। वन आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करोगे ना, अब मार्केट ने क्या किया है, जब इस लेवल के 500 के नीचे आया है लास्ट, अगर देखोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर देखोगे 500 के नीचे आया है, तो अच्छा खासा मार्केट बिताया है नीचे, राइट। फिर ऊपर गया, ज़्यादा टिक नहीं पाया, अगेन कंटिन्यू नीचे किया, एंड जब इसके ऊपर टिका है तो अच्छा खासा टिक रहा है। अभी फिर प्राइस एक्शन बना के एक चैनल, अगर देखोगे एक चैनल बना के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके नीचे सस्टेन करना चाह रहा है। आज कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो 500 का लेवल मेरे लिए अहम है। अगर यह 36,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, मैं इसको सेल कर दूंगा। यहाँ से सिर्फ 50 रुपये दूर है सेलिंग का लेवल, मतलब सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग दे के फिर 500 का लेवल ब्रेक करे, फिर तो नज़ारा ही कुछ अलग है। एक फ्लैट ओपन कर दे यहाँ कहीं एंड 500 का लेवल ब्रेक करे, अगर गैप डाउन खोल देता है 400 के नीचे या 300 के नीचे, फिर तो दिक्कत है। फिर हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है या कहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, फिर बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। कंटिन्यू कुछ दिनों से बाजार गिर रहा है, अगर आप छोटा सा इसको थोड़ा छोटा करोगे तो आपको समझ में आएगा। कंटिन्यू कुछ दिनों से बाजार गिर रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा जो है वो बाइंग का सिनेरियो भी हमें देखने को मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 दिसंबर का लेवल है ये, 8 दिसंबर फिर ऊपर गया था यहाँ पे, 13 दिसंबर से लगातार मार्केट फॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, मार्केट ऊपर आ सकता है अगर बाई चांस एक प्राइस एक्शन बनाए तो। अगर गैप डाउन खुल रहा है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन कर रहा है यहाँ पे कहीं और नीचे आ रहा है तो हम सेल कर देंगे। बाइंग करने के लिए हमें कम से कम ये वाला जोन चाहिए आपको, मैंने पहले कहा, सॉरी 800 का जोन चाहिए, मैंने आपको पहले कहा, तो मैं 800 का जोन यहाँ पे लगा लेता हूँ मार्क। एक बार अगर 800 के ऊपर निकलता है तो हम एक छोटा सा बाइंग छोटे से टारगेट के लिए प्लान करेंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा वो 37,050 के अराउंड का हमारा टारगेट जो है बन जाएगा, ये हमारा टारगेट होगा। इस टारगेट के लिए हम छोटा सा बाइंग प्लान कर लेंगे, और जब तक 37,050 के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं टिकेगा बाजार, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। होप कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं, फटाफट से स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक बजाज फाइनेंस, आज भी बहुत बढ़िया रहा बजाज फाइनेंस में। अगर बजाज फाइनेंस को देखोगे आज काफ़ी अच्छा खासा काम किया, और हमारा टारगेट जो है तकरीबन हिट किया है। हमने 7,000 के ऊपर इसको बाइंग किया था और इसने हाई लगा दिया है 7,063 रुपये का। चलिए कल अगर 780 का लेवल ब्रेक कर रहा है, 7,080 रुपये का लेवल ब्रेक कर रहा है, तो हम बाइंग करेंगे। और सेम अगर गिरावट आता है और 6,980 का लेवल ब्रेक कर रहा है, तो हम सेलिंग के साइड में जाएंगे। ये हमारे पास अप्रोच रहेगा बजाज फाइनेंस में। कल हम रिलायंस में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। रिलायंस अगर कल 2500 के ऊपर टिक रहा है, इवन मैं ये कहूँगा कि 2520 रुपये के ऊपर टिक रहा है, तो हम एक फ्रेश प्लान करेंगे बाइंग के लिए 2520 के ऊपर। और सेम अगर वहीं कल मार्केट जो है वो 2380 रुपये के नीचे निकलता है, तो हम सेलिंग के लिए अप्रोच करेंगे। बीच में हमारे पास कोई लेवल नहीं होगा, मैं अवॉइड करता हूँ, राइट। ये हमारे पास कल रिलायंस का लेवल रहेगा। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टॉक्स और भी हैं, सन फार्मा है, ICICI बैंक है, वहाँ पे इसमें काम आपका है, उनके लेवल्स निकालिए एंड नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर।